राजगढ़ जिले के सारंगपुर में एक व्यक्ति से लगभग 23 लाख रुपयों की नकदी राशि जब्त की गई है। पुलिस के मुताबिक व्यावरा से इंदौर जाने वाली बस में बसंत कुमार नामक व्यक्ति सवार थे, जो कि एक बैग में लगभग 23 लाख 15 हजार रुपयों की राशि भरकर ले जा रहे थे। पुलिस टीम ने व्यापारी को पकड़कर वह बैग कब्जे में लिया और फिर आयकर अधिकारियों को सूचना दी। बताया गया कि इन मामलों के निराकरण के लिए जिला स्तरीय अधिकारी की टीम है, जिनके समक्ष यह मामला रखा जाएगा। तो महामाया बस जो ब्यावरा से इंदौर चलती है, उसमें एक शख्स है महेश कुमार बसंत कुमार वाधवानी इंदौर। ये अपने बैग में 23,15,100 रुपए रख के नकद कैश ले जा रहे हैं। निर्वाचन आयोग के निर्देशों के अनुरूप जो है, नकद राशि 50,000 से अधिक तो बिल्कुल भी आप ले ही नहीं जा सकते। 50,000 का भी आपको पूरा विवरण देना पड़ता है, अत्यंत आवश्यक हो तो ही नकद ले जा सकते हैं। और इसको विधिवत रूप से हमने आयकर अधिकारी को सूचित किया है और इसके लिए निराकरण के लिए नकद राशि जो इस तरह से सीमा से अधिक जो प्राप्त होती है, जब्त होती है टीम के द्वारा, तो उसका निराकरण जिला स्तर पर एक टीम बनी हुई है, जिसमें ट्रेजरी अफसर, एडीएम साहब, सीओ साहब वगैरह हैं, तो उनके समक्ष मामला जाएगा।